ये बताने आए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता। ये चुनाव जिनका था ये उन्हीं का है। ये स्वर्गीय अरविंद गिरी जी का चुनाव था, ये अरविंद गिरी जी का चुनाव है। मैं माफ करिएगा, मैं आप लोगों के बीच में अगर अपने पिताजी के नाम के आगे स्वर्गीय ना लगा सकूं, मेरा गला भराता है, मैं नहीं बोल पाता। यह असमय चुनाव है, वजह आप सब लोग जानते हैं। यह असमय चुनाव हम लोगों के लिए कितना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हें बैठाल दे यार, पार्टी ने अपना आशीर्वाद दिया है, हम घोषित नाम करा, हमारा नाम घोषित करा। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, आपकी जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर, आपके सम्मान की जिम्मेदारी जो पिताजी के ऊपर थी हमारे ऊपर। मैं सोचता था कि हमारे पास वजह क्या है इन चुनावों, इस चुनाव की वजह क्या है। चुनाव हमने तीन कारण ढूंढे। पहला कि सबको एक साथ जोड़ के रखना है, जो पिताजी की कमाई हुई पूंजी है उनको सबको एकत्रित रखना है। दूसरा, जिसमें कोई दोहराई ही नहीं, पिताजी के सभी कार्य वो तो सर्वोपरि मेरे दायित्व रहेंगे कि पिताजी के सभी कार्य सभी सपने पूरे करें। तीसरा वजह आप लोगों ने मुझे दी, जितने दिनों से मैं घूम रहा हूं आप लोगों के बीच में, भ्रमण करते करते हम एक गांव पहुंचे थे, वन टांगिया, ये हमारे जंगल में गांव पड़ते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये उन गांवों में से हैं जहां पर कोई नहीं गया, वो एक ढाल एक संरक्षण के रूप में उन गांव वासियों के लिए। कोई ज्यादा बोलने वाला काम, 90-95 पूरे परिवार रहते हैं वहां पर एक सुविधा, हर एक चीज पिताजी के द्वारा है। आज तक एक जनप्रतिनिधि किसी पार्टी ने वहां पर कदम रखने की कोशिश तक नहीं की। मैं जब वहां पर गया, हमारी गाड़ी वहां पर पहुंची, तो वहां पे जो बच्चे थे, महिलाएं थी, गाड़ियों में नजरें घूम घूम कर एक शख्स को ढूंढ रही थी। उस शख्स को मैं, हम सब यहां पर हर एक आदमी मौजूद, तो बहुत दिनों से, पिछले 6 सितंबर से उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस सभा में भी हम लोग नजर दबा रहे हैं तो बस एक ही शख्स की कमी जो आज हम लोग के बीच में। मैं अपने दिल की बात अपनों के बीच में रखना चाहता था, मैं नहीं बोल पाया। वजह सिर्फ इतनी थी कि जब मैं उनको देख रहा था, वास्तविक काशी में बदलने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए फिर यहां पर आकर के वास्तविक स्वरूप इस छोटी काशी को देने का कार्य भी हम लोग करेंगे, जिससे आस्था का भी सम्मान होगा, रोजगार का भी सृजन होगा, यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा और साथ साथ एक एक व्यवसायी का, पटरी व्यवसायी को पुनर्वास करके किसी को भी उजाड़ेंगे नहीं, लेकिन सुंदरीकरण का काम बेहतरीन तरीके से करते हुए यहाँ की जन आस्था का सम्मान करने का काम भी होगा। यहाँ की सड़कों के चौड़ीकरण के लिए हम पहले आदेश कर चुके हैं। यहाँ पर स्वर्गीय अरविंद गिरी की भावनाओं के रूप गणनाथ का विकास हो, इस कार्यक्रम को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक बार फिर आश्वासन देने के लिए आया हूँ, आधे घंटे बता देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया पूरे देश को, सबका साथ सबके विकास, विकास सबका। आपने देखा होगा
विकास की योजनाओं में हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का भीड़ में हमने